हेलो दोस्तों, सरकारी जॉब ऑल ओवर इंडिया में आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की एक और वैकेंसी निकल के आ चुकी है। एंड दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने निकाली है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता था उनके लिए फॉर्म आ चुके हैं। एंड दोस्तों, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी खोल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकेगा, एंड फिर आप बाद में मुझे कमेंट करके पूछते हो कि भाई मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं तभी भी यही कहूँगा दोस्तों, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा एंड फिर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इसकी एक खास बात ये है कि दोस्तों इसमें आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सीधा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस में। दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो दोस्तों 10वीं पास मांगी गई है। एंड दोस्तों, अगर आपने ITI भी कर रखी है, साथ ही साथ में डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं, तो आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। अभी आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है एंड कौन कौन अप्लाई कर सकेगा। दोस्तों, सैलरी जो मिलने वाली है वो 44,000 मिलने वाली है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। वो फ्लक्चुएट हो सकती है, किसी पोस्ट के लिए ज़्यादा हो सकती है, किसी पोस्ट के लिए कम, वो आपको बाद में पता चल जाएगी। दोस्तों, फ्री फॉर्म है दोस्तों, फीस भी नहीं लगने वाली है, ऑफलाइन फॉर्म है क्योंकि, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप सीधा अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। एंड ऑल इंडिया फॉरम में दोस्तों सभी अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल में नए हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि डेली जॉब्स की अपडेट सारी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी इसी चैनल में। तो अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी सेट में ऑल कर दीजिएगा। दोस्तों, इस बार की जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने निकाली है। एंड दोस्तों, ये रहा मेरे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये जो फॉरम निकल के आ रखे हो ग्रुप सी के लिए निकाली है। एंड दोस्तों, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो 10th पास अगर आपने कर रखी है या फिर ITI कर रखे तो आप कर सकेंगे इसके लिए अप्लाई। एंड जो लोकेशन होने वाली है दोस्तों इस जॉब के लिए, वो होने वाली है कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जैसे आपको पता है कोलकाता भी स्टेट है, तो वहाँ पर आपके जो है लोकेशन होने वाली है जॉब की। एंड दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों 10 जुलाई से इसके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई इसके फॉर्म कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, मैं अगर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में दोबारा बता देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन नेम जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने निकाला है, पोस्ट नेम ग्रुप सी के लिए निकले है, लोकेशन कोलकाता में होगी, और इनका सिलेक्शन प्रोसेसर जो होने वाला है वो इंटरव्यू के बेसिस में होने वाला है। लास्ट डेट दोस्तों जो होने वाली है वो 30 जुलाई तक की होने वाली है, तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। एंड दोस्तों, अगर कोस्ट गार्ड के बारे में अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन में अगर आपको नहीं पता, आप नए हो, तो आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है ताकि आपको पता चले कि आप किस साइड जाने वाले हैं। एंड दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट जैसे मैं आपको बता दूँ, MT ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए पोस्ट निकली है, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर कारपेंटर, MTS पियोन, MTS चौकीदार एंड लश्कार के लिए पोस्ट निकल के आ रखी है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इन पोस्टों के लिए तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वही लिखा होगा, पर थोड़ा लेंदी लिखा होगा, मैंने आपको इसमें शॉर्ट करके दिखा दिया। तो दोस्तों, जो MT ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 10 पास भी अगर आप हो या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस इन मोटर ड्राइविंग व्हीकल्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। फॉकलिफ्ट ऑपरेटर के अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपने ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है दोस्तों, अगर लिफ्ट ऑपरेटर में आपने अगर ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, विद मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कारपेंटर के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम MTS पियोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने 12th पास होनी चाहिए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए। MTS चौकीदार के लिए दोस्तों 12वीं पास चाहिए, विद 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए चौकीदार। लश्कार के लिए दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन बोर्ड सर्विस के लिए। बाकी आप डिटेल अगर नोटिफिकेशन में पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकेंगे दोस्तों। एंड दोस्तों, अगर पे स्केल की बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। एंड दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके इंटरव्यू के बेसिस में सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, स्टेप्स क्या है दोस्तों इसके अप्लाई करने के लिए, अगर आपको जाना है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं वैसे कि ये ऑफलाइन फॉरम है, तो आपको इसके लिए ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के एंड ऑफलाइन फॉरम कहाँ से आपको भरना है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉरम मैंने नीचे यहाँ पर दे रखा है, आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा और नीचे आना है। यहाँ पर थोड़ा आप डेट देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट है इसकी 10 जुलाई से, एंड लास्ट डेट होने वाली है 30 जुलाई तक की। दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉरम होने वाला है, तो मैंने आपको यहाँ पर लिंक दे रखी है नीचे, आपको यहाँ पर आकर सिंपली क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इनका फॉरम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दोस्तों यहाँ पे आकर देख सकेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे जो है कि नेम ऑफ द पोस्ट विथ सैलरी जैसे कि MTS ड्राइवर के लिए 19,000,
फॉग ड्राइवर के लिए 19,000, एंड ये बढ़ती जाती सैलरी दोस्तों। एंड जो वैकेंसी है कैटेगरी और पोस्टिंग देख सकते हैं, हरियाणा, कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रदीप, भुवनेश्वर। एंड दोस्तों यहाँ पे एज भी लिख रखी है, 18 से 27 साल वाले अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे आके पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं अगर आपको देखना है। एंड दोस्तों ज़रूर देखिएगा, पहले आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा एंड उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। एंड दोस्तों ये रहा इनका ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म, जिसको आपको सिंपली यहाँ से आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जितने भी डिटेल हैं आपके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको सेंड करना पड़ेगा इस एड्रेस में दोस्तों, जो सबसे ऊपर लिख रखा है हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इन्होंने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, तो जहाँ पे आप भेज सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों भेजना कैसे, आपको इसको पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा इनका द कमांडेंट कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट सराची बिल्डिंग 6th फ्लोर, ठीक है दोस्तों, न्यू टाउन राजा रात कोलकाता 700161, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा भी गया है दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 30 दिन के अंदर आप इस फॉर्म को सेंड कर दीजिए, एंड जल्दी से जल्दी कर दीजिए ताकि आपका जल्दी से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए या उन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाई तो आप पहुँचा दीजिए। एंड आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए दोस्तों ताकि डेली अपडेट आप तक पहुँच सके ऐसी ही जॉब्स के रिलेटेड। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।